बोले पाजी मैं वेजिटेरियन हूँ। हेलो वेज क्यों? सर नहीं नहीं मेरे को घर से बोला गया था कि अगर चिकन खाओगे तो मोटा बन जाओगे। बोला अच्छा, अल्लाह मैं मोटा दिख रहा हूँ तेरे को, इतने सालों से मैं चिकन ही तो खा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वीरू को मैंने पूछा कि फिर जनरली तू खाता क्या है? तो नहीं घर का घी वगैरह वो सब कुछ देसी घी पाजी बहुत अच्छा रहता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। बोला अच्छा अच्छा आ जाओ हम चिकन ट्राई करेंगे। और आस्ते आस्ते अभी वीरू चिकन खा रहे। ये तो इनकी मतलब पहली मुझे डिनर पर ले गए वो मुलाकात थी। मेरी जो पहली मुलाकात थी सचिन तेंदुलकर के साथ भगवान क्रिकेट के, तो 92 वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू करी। तो मैं टीवी में देखता था, कॉपी करता था कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा वैसा खेलूंगा। जब मैं पहली बार मिला इन्हें तो मेरे परसेप्शन ये था कि भाई जितना मैं इन्हें चाहता हूँ ये उतना ही मुझे भी चाहते हैं। तो मैं मिला इनसे, इन्होंने हाथ मिलाया और आगे निकल गए। तो मैंने कहा यार मैं तो इनकी मतलब पूजा टाइप करता हूँ, ये हाय जैसे इन्होंने हेलो किया और आगे चले गए। मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मैं प्लेयर बना और कुछ प्लेयर आए टीम में जो कहते थे कि भाई हमने आपको देख के क्रिकेट सीखी है। मैंने भी वही किया उनके साथ, हाथ मिलाया और मैं आगे चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो ये जेस्चर होता है कि जब आप हाय हाथ मिलाते हो हेलो हाय करते हो, जब तक आप किसी को जानते नहीं तो उसके करीब नहीं आते। तो इसलिए मैं बहुत शाय था जब आप शाय थे, अभी भी हूँ। ये रिकॉर्ड पे रख लेना बार बार वीरू शाय। क्योंकि मुझे बहुत क्रिकेटरों ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अनिल कुंबले ने बताया कि एक बार अच्छा खासा मेरा 100 होने वाला था, मैं बैटिंग कर रहा था, उतने में सहवाग आ गए ड्रिंक्स इंटरवल में और उन्होंने क्या अनिल पाजी क्या कर रहे हो, मारो ना या फर्क नहीं पड़ता। अनिल कुंबले ने कहा मैंने बात उसकी सुन ली, नेक्स्ट बॉल आउट। सर सेंचुरी थी यार उनकी, एक तो कर दी उन्होंने यार ओवल पे और वो आई थिंक 100 रन डाइव मार के बिल्कुल। वो सीरीज में मैं नहीं था, मैं टीवी में देख रहा था। बट ये तो क्रिकेट वाली बातें हुई। अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट आप कुछ काम करते ही होंगे और मैंने रिसर्च किया है अच्छा? कि आपके घर में आपके घर में लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कुछ दिख गया रिपेयर करने लग जाते हैं। तो पंखा हो गया, लाइट हो गया, फिर क्या उसको पहले ड्रेसिंग रूम में होता था कि ग्लव हो गया, थाई गार्ड हो गया, बैट हो गई, किसी के जूते कहीं से फटे तो वो चिपका देना और सब। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। अच्छा, मगर उसके बाद अभी घर में इतना टाइम कभी कभी मिल जाता है कि ढूंढ रहा होता हूँ कि क्या है। बट हाउसकीपिंग वाले स्टाफ वाले बोलते हैं हम पाजी जब घर पे होते हैं तो 2 टी-शर्ट लेके आते हैं क्योंकि ये पूरा दिन काम कराएंगे। नहीं नहीं वो तो हाउसकीपिंग तो ठीक है, वो दे आर वर्किंग फॉर मी, मगर जब अंजलि इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें देन इट इज़ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको यही रहता है कि अच्छा है घर, क्यों ये कर रहा है, क्यों वो कर रहा है, और मेरे से रहा नहीं जाता। मेरी वो आदत है पेंटिंग यहाँ से उधर लगाओ, अगर दीवार ठीक है तो उसको पेंट करके उसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं या कुछ मेरा ग्लास लगा देते हैं, कुछ ना कुछ चालू ही रहता मेरा। यार इतना सब करने की क्या जरूरत है, इतने ब्रांड एंडोर्स करते हैं, उनके पास सब है, पंखा है, लाइट है, पेंटिंग है, उठा उठा के नहीं लाओ लगा दो। वो वीरू करते हैं, वीरू के घर जाओ बैठे होंगे, अच्छा सबको करेक्ट काम दे दिया इन्होंने, आरती को बोल दे तू स्कूल चला, ये काम करेगा, और फिर सहवाग की सिटिंग लाइक अ किंग, सोशल मीडिया किंग। अच्छा साढ़े सहवाग स्कूल का नाम क्या है? सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, अगर आपको एडमिशन चाहिए साढ़े को भी कॉन्टेक्ट कर सकते। आई थिंक हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेल डन, बिकॉज ये बाय द वे मार्केटिंग नहीं चल रही है और नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ रियली अ वंडरफुल स्कूल एंड ऐसे और स्कूल्स बनाने चाहिए। हम ड्रेसिंग रूम में हमेशा कहते थे डबल इट अप, विल डू दैट, क्या बात, थैंक यू, क्या बात, भगवान ने बोल दिया था करना पड़ेगा। बट ये जो हरकतें हम लोग अब कर रहे हैं ये हम हरकतें ड्रेसिंग रूम में भी करते थे। मतलब पाजी मेरे बैट ठीक करना, हरभजन सिंह के जूते ठीक करना या पैड या ग्लव्स ठीक करना, अब वो घर में भी वही काम कर रहे। मेरा काम था जब मैं प्रैक्टिस करता था इनको थ्रो डाउन कराना, अब ये तो खेलना बंद कर दिया, अब मेरे बच्चों को मैं थ्रो डाउन कराता हूँ। सीट पर बैठ के ऑर्डर जरूर देता हूँ बट शाम होते होते तो थ्रो डाउन की आदत अभी भी है, तो बच्चों को कराता हूँ, इनको जब कराता था जब ये खेलते, जब भी वैसे तो टेंशन में कभी नहीं आए, जब भी टेंशन में आते थे तो आ जा, तो वो 100-200 बोले, मतलब मैं मारता था, फिर पूछते थे भी क्या कुछ हो रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहता था, मैं कहा भगवान का कुछ गलत नहीं हो सकता, सिर्फ सही सही सर सही रहे। तो ये मतलब मैंने इनसे ये सीखा था कि इनका हेड पोजीशन ठीक रहता है तो मेरा भी हेड पोजीशन ठीक रहना चाहिए ताकि मैं भी इनकी तरह खेलूँ, अगर इनका हेड गिरता था तो मैं सिर्फ वो बात बता। और नहीं, हम वी इनवेरेबली यूज टू टॉक टू ईच अदर कि ना जैसे भी मुझे अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जो भी लगता था वीरू का क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिस सेशन में हम एक दूसरे को बहुत बार थ्रो डाउन करते थे।